निर्माण कदरदान। माय नेम इज रोहन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी ब्लॉग सर्जरी एक्टर ब्लॉग। शुरू करते हैं। सो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ दरअसल लाइब्रेरी के पास और यहाँ पे है फूड पैराडाइज रेस्टोरेंट और हम चलेंगे इसके अंदर, पूरा बताएंगे इसके बारे में कि ये कैसा है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये बाबू मॉल के पास ही पड़ेगा और चलते हैं फटाफट अंदर और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं सारी बताएंगे। चलिए फटाफट अंदर। अभी हम इस रेस्टोरेंट के अंदर चलेंगे और पहले ऊपर चलते हैं, इससे पहले है ना हाई तो इसके दो पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है नीचे का पोर्शन है। अभी हम ऊपर के पोर्शन मार देंगे और ऊपर का पोर्शन जब यहाँ पे मैंने एंट्री मारी तो बहुत ही प्यारा लगा। तो ये देखो, आ जाओ, ये देखो यहाँ पर जो है मतलब जेल होता है ना, जेल एक बार दिखाया था मिठाई का। देखो अंदर जो है ये कुर्सी वगैरह पड़ी है, आराम से बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, आराम से चिल आउट मार सकते हो। यहाँ पे कपल्स वगैरह भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, फैमिली के लोग भी आ सकते हैं। और इसको बंद कर दिया तो देखो ये बिल्कुल, अब मैं जेल में पहुँच चुका हूँ और एक सेकेंड के अंदर मैं जेल से बाहर। ये है यहाँ पे कमाल, देखो आप। और इधर देखो फोटो सेशंस के लिए यहाँ पे लोग आते हैं ये। और हाँ ये वही रेस्टोरेंट है, आपको ध्यान आ गया होगा अगर मेरे पुराने व्यूअर हो, जिसमें मैंने मीटअप करा था अपना, जिसमें हमारे साहिल भाई भी आए थे, वो भी कैमरा पकड़े हैं। और ये देखिए यहाँ से फोटोज वगैरह भी बढ़िया आएंगे, बाकी लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। और इधर देखिए ये कुछ अलग टाइप का सेक्शन है, यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से, मेन्यू देखो ऑर्डर करो बढ़िया से। और मेन्यू भी दिखाऊँगा अभी क्या क्या चार्जेस रहेंगे यहाँ पर, सभी चीज़ दिखाने वाला हूँ। आइए थोड़ा उधर चलते हैं आगे की तरफ। और इधर जो है ये टेबल है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठ के एक साथ एक टेबल पर खा सकते हैं। अब आइए इधर, चीज़ें जो है बढ़िया है और लाइटनिंग बहुत प्यारी है। लाइटनिंग का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं पर लाइटनिंग होती है चाहे रेस्टोरेंट हो या कैफे हो, लाइटनिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है हर जगह की, अगर वो अच्छी से मेंटेन करी जाए तो। लेकिन इस टाइम पूरा मतलब स्ट्रक्चर जो है ब्लैक ब्लैक में दिया हुआ है, ब्लैक यहाँ पे फिटिंग्स है सारी, ऐसे यहाँ पे तीन चार चैम्बर्स हैं इस तरीके के। और बाकी इधर का मैं व्यू दिखाना चाहूँगा एक बार, साहिल भाई आप दिखाइए, ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। सेटअप लिए खामोश कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारी, ये सब देखो पढ़ लो, कानून को अपने हाथ मत लो, हाथ में मत लो, जो डर गया वो मर गया। तो भाई ऐसा ही अपने हिसाब से, जो डर गया वो मर गया। तो आज चले जा रहे हैं हम लोग भी ऐसे और ऐसे चलते रहेंगे आगे भी। और अगर कोई रेस्टोरेंट की वीडियो या फिर कैफे की वीडियो या फिर कोई भी यूनिक चीज़ आपकी वीडियो शूट करवाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग में कमेंट करिए, आपको कमेंट करके आप मुझे बात करिए या फिर इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल है आरकेसी ब्लॉग्स, उस पर आप मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए कि ऐसे ऐसे ये लोकेशन है यहाँ पे आप आइए, तो हम वहाँ पे आएंगे बिल्कुल। ट्राई करिए एक बार आप और अच्छा रहेगा, हम भी आपसे मिलेंगे और इसी तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं बहुत सारी। तो हम यहाँ अंदर हैं हमारे साहिल भाई और इनको मैंने अभी बंद कर दिया है, तो अपने बाहर निकलेंगे, अपना भी मुंशी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपना बाहर निकलेंगे। साहिल भाई सच में बंद हो गया, साहिल भाई बाहर बैठ गए। और अभी इसको नीचे का पोर्शन दिखाते हैं आपको यहाँ का, चलिए फटाफट नीचे जाते हैं। तो ये इसके नीचे का एरिया है ना, कुछ बहुत अलग यूनिक टाइप के लिए वहाँ पे स्कूटर का मतलब एक तरीके से दिया हुआ है साहब को, वहाँ पर आराम से बैठ के आप लोग चिलआउट भी मार सकते हो और खा भी सकते हो आराम से बैठ के। और बहुत ही मतलब अलग कॉन्सेप्ट है, ये रामपुर में बहुत कम ऐसी जगहों पर देखने को मिलता है। मैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स मैंने कवर किए और उसमें से एक ये भी है, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है।
जब हमारा यहाँ पे मीटअप हुआ था तो इसी रेस्टोरेंट में हुआ था। उस टाइम मैंने लोकेशन सही से नहीं बताई थी, लेकिन ये रेस्टोरेंट कुछ मुझे अलग इसलिए लगा जब मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी। तो ये देखो, ये कुछ स्कूटर है इधर, स्कूटर का आगे का एक पोर्शन है और इधर पीछे टेबल है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? सब अपने माइंड से बनाए, सब स्कूटर्स का भी और एंजेल्स का भी, सब अपने माइंड से अपने बहुत बढ़िया से कहते हैं क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी होती है वो इंसान के अंदर होती है, तभी वो इस टाइप की चीज़ें कर पाता है। तो ये यहाँ का रिसेप्शन है जहाँ से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी क्वेरीज वगैरह हो वो दूर हो सकती हैं यहाँ पर आकर। तो जैद भाई से हम जानना चाहेंगे कि अपने रेस्टोरेंट के बारे में आप भाई बताइए कुछ हमें। पैराडाइज रेस्टोरेंट है और इसमें बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच सब स्पेशलिटी है। इसमें बर्गर पैराडाइज हमारा स्पेशल है और सैंडविच, पिज्ज़ा एंड शेक्स वगैरह सब अवेलेबल है हमारे। बाकी हमारी रेस्टोरेंट की लोकेशन है नियर सेवा का नेशन न्यू सेवा हॉस्पिटल, और यहाँ पे ओम भी फास्ट फूड अवेलेबल है। अच्छा, तो अभी हम लोग ऑर्डर भी करेंगे कुछ और खाएंगे भी, और आपको टेस्ट वगैरह सब बताएंगे, और जो भी रेट्स होंगे यहाँ पे मेन्यू भी दिखाई देंगे आप लोगों को। और क्या क्या टाइमिंग्स रहती हैं भाई, मतलब रेस्टोरेंट टाइमिंग? मॉर्निंग में 10:30 और रात में 10:30 तक। मॉर्निंग में 10:30 से शुरू होता है, 10:30 तक ये खुलता है। तो भाई कोई क्लोजिंग डे तो नहीं होता ना? नहीं, ऑल डे चलता है, ऑल डे, ऑल 7 डेज ही ओपन रहता है। तो अभी चलते हैं फटाफट, कुछ ऑर्डर करते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं। तो भाई मैं यहाँ का मेन्यू देख रहा था, मेन्यू में काफ़ी चीज़ें हैं और इसे ओपन करेंगे फटाफट हम। तो यहाँ पर जो है देखिए आप, बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविच, ब्रेड, आइसक्रीम, पास्ता, शेक्स, चाइनीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट कॉर्न, मतलब इन सभी चीज़ों में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। बर्गर है तो बर्गर की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इसी टाइप से और भी चीज़ों की वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप आओगे तो। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज ही है या फिर वेज ही है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, देख सकते हैं आप। और इधर भी और पीछे भी हैं बहुत सारी चीज़ें, और जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं तो पता नहीं लगेगा आपको। बहुत अच्छे हैं, आप आओगे तो बहुत आपको भी अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल छोटा सा है लेकिन है बहुत अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही हिसाब है। सो गाइस, आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हमने ऑर्डर किया है पैराडाइज बर्गर। पैराडाइज बर्गर है 80 रुपीज़ का, तो ये हमने ऑर्डर किया है दोनों ने। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो भाई ये था फूड पैराडाइज रेस्टोरेंट जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे खाया हम लोगों ने, बहुत सही टेस्ट था। एक बार आइए, ये रिकमेंडेबल जगह है हमारी तरफ से। क्यों साहिल भाई? हाँ बिल्कुल, आइए यहाँ पे और अच्छा लगेगा आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल RKC ब्लॉग्स। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, भूलिए मत जाना। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो करना क्या है, आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन दबा दिए ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग डालूं आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाएं। और ऐसी मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो किसी वीडियो के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम ID RKC ब्लॉग जो मैंने बताई दी आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।